गुरु जी प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। मेरा नाम कौशल कुमार जी, कासगंज उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा सवाल प्राण वायु से के विषय में है। जब हम ध्यान करते हैं तो प्राण वायु क्रिया करती है, तो प्राण वायु धीरे धीरे ऊपर के चक्रों में गति करती है, तो क्या प्राण वायु मूलाधार से स्वाधिष्ठान चक्र पर आएगी, उसके बाद नाभि चक्र, उसके बाद हृदय चक्र, ऐसे गति करती है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि मूलाधार से गति न करके नाभि चक्र से हृदय पे आ जाए, या स्वाधिष्ठान से डायरेक्ट हृदय पे आ जाए? ऐसा भी हो कि मूलाधार से ही गति करेगी वो? जिसका जहाँ निवास स्थान है वो वस्तु, वो व्यक्ति वहीं मिलेगा। अगर आपने प्राणों के बारे में पढ़ा होता, बारीकी से चिंतन किया होता, तो प्रश्न शायद ये नहीं उठता। हमने आज भी बोला, कल भी बोला, हमेशा बोलता रहता हूँ कि जब इंद्रियों का जो बहिर्मुखी हो रही, स्थूल इंद्रियों का समेट करके अंतर्मुखी बनाने का प्रयास करते हैं, मन ठहरने लगता है, तो सबसे पहले प्राण पर असर पड़ता। तो सबसे पहले उन प्राणों में जो पांच भागों में सुविधा के लिए बांट दिया गया है, उनमें से एक है अपान वायु। क्योंकि हम जो ये दसों इंद्रियाएं हैं, दसों इंद्रियाओं की जो बहिर्मुखता है उसको हम समेट रहे, यानी बहिर्मुखता को रोक करके स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। और जब ये इंद्रियाँ स्थिर होने लगती हैं, बहिर्मुखता क्या है, जैसे उदाहरण दे दूँ समझाने के लिए, आँख जब खुली होती है तो हम बाहर का दृश्य देखते हैं, ये बाहर बहिर्मुखता। अगर बंद कर लें और ईश्वर के विषय में चिंतन करने लगे अपने ही अंदर, ये अंतर्मुखता के लिए है, ठीक है। जैसे ही मन थोड़ा स्थिर होता है, प्राणवायु क्रिया करने लगती है। प्राण और मन एक दूसरे के पूरक हैं, इन दो में से किसी एक को कंट्रोल करो, दूसरा अपने आप कंट्रोल हो जाता है। हम मन को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी ठहरा रहे हैं, उसकी गति को रोक रहे हैं। मन का भी स्वभाव है अत्यंत तेज गति वाला होता, मन के समान गति वाला इस ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। तो मन को जब हम रोकते हैं तो उसके साथ प्राण भी रुकने लगता है। अब प्राण सबसे ज़्यादा गति करता है अपान वायु, जो शरीर से, इस स्थूल शरीर से निकल के बाहर हो जाती है, इसलिए उसका नंबर आता, अधोगति को प्राप्त होता है। और सबसे ज़्यादा निम्न श्रेणी का प्राण अपान वायु ही होता है, वो उस क्षेत्र निचले भाग में करता है, कार्य करता है। और निचले भाग में सारे कार्य सृष्टि उन्मुख है। आपका जो सृष्टि उन्मुख का क्या थोड़ा होगा, निचले भाग में स्वाधिष्ठान और मूलाधार में काम करता है। स्वाधिष्ठान चक्र का अर्थ समझ रहे होंगे, मैं खुल के नहीं बोल रहा हूँ जी। वो सृष्टि के कार्य के लिए थोड़ा सहयोग करता है स्वाधिष्ठान चक्र। तो सबसे पहले वो अपनी जो सामान्य गति को, जो बहिर्मुखता है, उसको रोकता है। तो अपान वायु, तो अपान वायु जो बाहर निकलती है धीरे धीरे अभ्यासी की ठहरने लगती है। अगर अभ्यास आप कर रहे होंगे तो समय अपान वायु नहीं निकलती है। आप 2 घंटे की समाधि लगाएं, 3 घंटे की समाधि के समय अपान वायु नहीं निकलेगी, ठीक है। अगर निकल रही है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, मार्गदर्शक बताएगा नहीं निकलनी चाहिए, यानी मन स्थिर नहीं हो रहा। तो सबसे पहले उसको रोकेंगे, रुक जाएगी, रोकते नहीं है, रुक जाती है, प्राकृतिक क्रिया है। तो अपान वायु तो मूलाधार में विराजमान रहती, उस वो क्षेत्र विराजमान यानी उस क्षेत्र में काम करती, मूलाधार यानी उस क्षेत्र में काम करती है। तो अब बताइए, जब अपान वायु मूलाधार में ही कार्य करती है तो ये कैसे है कि वो मूलाधार में ना होकर के स्वाधिष्ठान में हो? जैसे कुंडलनी मूलाधार में ही रहती है, उसका विराजमान रहती है, उसका स्थान है। आप कह दो कुंडलनी मूलाधार से ना चले, स्वाधिष्ठान से ना चले, नाभि से ना चले, हम हृदय चक्र से चलाना चाहते हैं, यानी ऊर्ध्व करना चाहते हैं, तो कैसे होगा? अरे उसका निवास स्थान मूलाधार है, इसीलिए अपान वायु जो है तो मूलाधार है, यानी निचला भाग। तो पहले मूलाधार से फिर स्वाधिष्ठान धीरे धीरे ऊर्ध्व होती है, एक प्रक्रिया है। धीरे धीरे जब ऊपर को उठाएगी, जो ऊपर का चक्र होगा, अगला अगला अगला,
और जितना ऊपर होगा वो सूक्ष्म होकर के शुद्ध होकर के सूक्ष्म होकर के प्राण भी व्यापक होने लगता है, शुद्धता आने लगती है। उस शुद्धता से चक्रों पर असर पड़ता है, चक्र भी शुद्ध होने लगते हैं, चित्त की सतह शुद्ध होने लगती है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर सकता हूँ क्या? जी जी, ऐसा भी हो सकता है कि प्राणवाणी मूलाधार से गति कर रही है ऊपर के चक्रों में, तो मान लो मूलाधार से स्वाधिष्ठान चक्र या नाभि चक्र वो महसूस नहीं हो और नाभि चक्र से हृदय चक्र में आपको महसूस हो रही हो, ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा हो सकता है, ये मान लेंगे कि नाभि चक्र में महसूस ना हुआ हो, स्वाधिष्ठान में ना हो, हम ये भी मान लेंगे कि मूलाधार में महसूस ना हुआ, आपको हृदय में महसूस हो रहा है, मान लेंगे। और इसका कारण है कि उतनी शुद्धता आप नहीं ला पाए, अभ्यासी अनिल नहीं ला पाया, इसलिए वहाँ पर महसूस नहीं हुई। जब थोड़ा प्राण और शुद्ध हुआ, मन ठहरने लगा, थोड़ी शुद्धता आई, थोड़ी सी व्यापकता आई, तो अनुभूति करने लगा, यानी वो हृदय चक्र। हाँ, ये बात सही है जी। गुरु जी, मैं एकदम संतुष्ट हूँ आप। चलो, अच्छी बात है कि आप संतुष्ट हैं। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। Thanks for watching. Remember to like, comment, and subscribe.